बच्चों आज हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पंक्चुएशन मार्क्स की जानकारी हम देंगे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग पंक्चुएशन कहलाता है व्याकरण में सभी भाषाओं के लिए चाहे हिंदी मराठी अंग्रेजी सभी भाषाओं के लिए पंक्चुएशन का महत्वपूर्ण स्थान है विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से वाक का अर्थ बदल जाता है बच्चों पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदी इन इंग्लिश इन मराठी वी ऑफ एन यूज द पंक्चुएशन मार्क एट द टाइम ऑफ राइटिंग इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड द प्लेसेस

पढ़ने के दौरान वाक्यों की संरचना के रूप में अच्छी तरह से और निर्धारित करने के लिए हमें मदद करता है तो पंक्चुएशन मार्क डिवाइडेड इंटू नाइन टाइप्स इन हिंदी पूर्व विराम स्टॉप अल्प विराम कॉमा अर्धविराम सेमिकोलन चक चिन्हचन मार्कवाचक चिन्ह एक्सक्लामेशन मार्क निर्देशक, योजक, हाइफेन उदाहरण चिन्ह क्वाटेशन मार्क ब्यूर चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग मीन्स पंक्चुएशन द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश आर Capital letters and full stops, question marks, commas, colons, and semicolons, exclamation marks, and quotation marks. In speaking, we use process and the pitch of the wires to make what we say clear. Punctuation.

आपको कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप की जानकारी हम देंगे जैसा कि बच्चों आप जानते हैं वी यूज द कैपिटल लेटर्स टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस के शुरू में जो हम लेटर का यूज करते हैं बच्चों वह कैपिटल लेटर होता है जैसा कि हम देख रहे हैं यहां एग्जाम्पल में दिया गया है वी वेंट टू फ्रांस लास्ट समर डब्ल्यूस में देख रहे हैं कैपिटल से लिखा गया है नेक्स्ट सेंटेंस हम यूज करते हैं, We really so यहां भी हम देख रहे हैं जो ही सेंटेंस का बिगनिंग जो लेटर्स होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है आगे हम चलते हैं वी ऑल्सो यूज द कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स बच्चों तो जो प्रॉपर नाउन है उनके इस जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों प्रॉपर नाउन मींस, प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स टाइटल्स नेशनलिटीज लैंग्वेजेस डेज ऑफ वीक मंथ ऑफ ईयर, पब्लिक हॉलिडेज एज वेल एज जियोग्राफिकल प्लेसेस एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में देखो बच्चों डॉक्टर डेविड कंसल्टेंट एट लीड नाम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी होने के कारण दूसरा यह चूंकि प्रॉपर नाउन इसलिए हमेशा डी कैप्टन लिखा गया है लीड्स सिटी हॉस्पिटल यह एक हॉस्पिटल का नाम है इसलिए यहां देख रहे हैं उसका लेटर फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखा गया है दे आर प्लानिंग लॉन्ग हॉलडे इन न्यूजीलैंड यहां भी न्यूजीलैंड ए जियोग्रेफिकल प्लेसेज है इसमें भी फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में है बच्चों द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्रुप विल टेक प्लेस ऑन थर्सडे डेज ऑफ द वीक यहां फर्स्ट डे में टी कैपिटल में है तो इस तरह से बच्चों आपको प्रॉपर नाउन इंक्लूड पर्सनल नेम्स मींस हमेशा जो प्रॉपर नाउन है उसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं आगे हम चलते हैं बच्चों वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द टाइटल ऑफ बुक्स मैगजीन्स न्यूज पेपर प्लेस एंड म्यूजिक मतलब आप देख रहे हैं बच्चों बुक्स का नाम मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स कहानी का नाम अर्थात हम सब में कैपिटल लेटर का यूज करते हैं जैसा कि नीचे दिया गया बच्चों ओलिवर इज अ म्यूजिकल बेस्ड ऑन द नोवल ओलिवर ट्विस्ट बाई चार्लिस देख रहे हैं नोवेल का नाम कैपिटल लेटर में है नीचे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में द स्टेट टाइम्स इज अ डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर इन सिंगापुर तो बच्चों न्यूज पेपर का नाम द स्टेट टाइम्स है यहां हम देख रहे हैं उसका नाम कैपिटल लेटर में है दे आर परफॉर्मिंग बिथोवंस सिक्सटी सिंफोनी तो यहां भी आप देख रहे हैं नाम किस में है कैपिटल लेटर में दिया गया है अर्थात इस तरह से बच्चों हम कैपिटल लेटर का यूज टाइटल ऑफ बुक्स मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स प्लेज एंड म्यूजिक के लिए करते हैं आगे हम चलते हैं तो अब हम फुल स्टॉप की बात पर आते हैं बच्चों तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों फुल स्टॉप मीन पूर्ण विराम तो इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ एसरेटिव डिक्लेटिव

एसेटिव एंड इम्प्रेटिव वाक अंत में इसका यूज होता है और ऑप्टेटिव इलामेटरी एंड इंट्रोगेटिव के अंत में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं एग्जाम्पल में आपको आगे दिखा रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे हम यू आर माई फ्रेंड यदि हम लिखते हैं बच्चों यू आर माई फ्रेंड तो यू आर माई फ्रेंड यदि हम लिखते हैं तो यू आर माई फ्रेंड में हम देखते हैं कि इस तरह से हम इसमें ऐसे वाक्य में हम फुल स्टॉप लगाते हैं गुड बॉय तो गुड बॉय जहां sentence होता है वहां हम ऐसे वाक का हम प्रयोग सॉरी ऐसे हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं देयर यहां भी हम देयर अर्थात हम फुल स्टॉप फुल फुल के लिए एक छोटी सी लास्ट में बिंदी देते हैं आगे हम चलते हैं बच्चों तो हम आगे देखते हैं वी आल्सो यूज फुल स्टॉप टू इनिशियल ऑफ द पर्सनल नेम अर्थात जो पर्सनल नेम है उसके लिए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं जैसे हम अपने नाम को शॉर्ट में लिखते हैं जैसे आप अपना नाम लिखना है या हमें अपना नाम लिखना होता है जैसे हमने ए के मौरा लिख देते हैं ए बिंदी के बिंदी तो ऐसे ही डॉट का मतलब फुल स्टॉप का मार्क्स होता है जैसे यहाँ लिखा गया है क्लोजिंग द जी डब्ल्यू ड्वेयर तो साठ तो नाम में भी हम हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं जैसे लिखा गया है डेविड ए जॉनसन अकाउंटेंट accountant पुष का नाम है लेकिन डेविड ए जॉनसन तो ए के के लिए क्या है फुल स्टॉप लगाया गया है अगला बच्चों फुल स्टॉप आर आल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रिवेशंस ऑल्दो दिस प्रैक्टिस इज बिकमिंग लेस कॉमन जैसा बच्चों हम देख रहे हैं किसी भी एब्रिविएशन मतलब होता है कोई शॉर्ट फॉर्म के लिए संक्षिप्त शब्द के, के लिए हम करते हैं तो संक्षिप्त शब्द के बाद भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं जैसा कि बच्चों यहां लिखा गया है अराइवल के हम लिए एड वाला लिखते हैं एक्स्ट्रा आप देखते हैं बार-बार एक्स्ट्रा -बार के लिए ईटीसी लिख कर के डॉट लगा देते हैं अर्थात फुल स्टॉप हो जाता है डॉक्टर डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म डीआर हम डॉट लगा देते हैं प्रोफेसर ऐसे ही बच्चों हम डिग्री के लिए बीए एमए एमपी एमएलए इस तरह से हम इनमें हम शॉर्ट फॉर्म लिखते समय हम फर्स्ट लेटर के बाद हम जो है हम बिंदी लगाते हैं जैसा कि आपको लिखा गया है में अगला हम चलते हैं क्वेश्चन मार्क्स एंड इस्लामेशन मार्क्स अगला है तो बच्चों इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स एंड इस्लामेशन मार्क्स में हम चलते हैं तो देखते हैं कि वी यूज क्वेश्चन मार्क्स टू मेक क्लियर दैट व्हाट इज सेड इन क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वी डू नॉट यूज अ फुल बच्चों कोई भी क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसमें हम हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा की आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह ब्रैकेट में दिखाया गया है तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में प्रश्नवाच चिन्ह दिखाया गया है तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसका मिशन के लिए भी आपको देख रहे हैं एक ऊपर सलाइन नीचे डॉट दिखाया गया है तो बच्चों तो ऐसे में हम किसी भी यहां लास्ट में देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है अर्थात वाई डू यू मेक सो मेनी मिस्टेक हम देख रहे हैं बच्चों यह क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमेशा याद रखिए प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम कुल स्टॉप नहीं लगाते हैं यहां लिखा गया है

हमेशा याद रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य अंत में हम हमेशा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो ये बच्चों इस तरह से ये की जानकारी हो गई जैसा कि हम आपको बताए कि कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए हम लास्ट में जो भी प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंत में इसका प्रयोग करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है आप बच्चों हमेशा याद रखिए जिन वाक्यों में हु, हाँ, वेयर, व्हाट आदि के बाद सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होना चाहिए वहां इंट्रोग का प्रयोग नहीं होता है यह भी हमें हमेशा या ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि जब who how when where what के बाद सब्जेक्ट आता है इसके बाद वर्ब आता है तो ऐसे वाक्य अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होना चाहिए इंटरोगेटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए तो इस तरह से आगे हम बच्चे चलते हैं आपको अगला है पंकचुएशन मार्क में एक्सक्लेमेशन मार्क तो एक्सक्लेमेशन मार्क में जिसको हम हिंदी में विस्मयाद बोधक चिन्ह कहते हैं तो इस इसमें हमेशा याद रखते हैं बच्चों कि इस, मार्क जो है की तथा इस्लामेट्री सेंटेंस के बाद होता है यह हमेशा याद रखना चाहिए वी यूज देशन मार्क्स टू इंडिकेट एन इस्लामेटिव क्लास आर एक्सप्रेशन इन इन्फॉर्मल राइटिंग वेन वी वॉन्ट टू इंफेसिस समथिंग इनफॉर्मल राइटिंग कभी, कभी हम एक से अधिक यूज करते हैं एग्जांपल में देखते हैं बच्चों गया, listen, देखते हैं। मार्क लगाया गया बच्चों आगे हम देखते हैं कभी कभी हम लिखते हैं अलास हु नॉन तो ऐसे वर्ड्स के बाद हम इक्स्तामेशन वार्क लगाते हैं जैसे मे योर किंग लाइव लॉन्ग तो ऐसे वॉटर मार्क हो गया सीन इट इज मार्क हो गया हाउ हरेवल यहाँ भीशन मार्क हो गया ऐसे ही ओ नो प्लीज डोंट आस्क मी टू फोन सी टॉक टू अर्स तो इस तरह से हम देख रहे हैं इस्लामेशन के लिए आपको इस्लामेशन मार्क की जानकारी दिया गया आगे बच्चों ओ फादर आई हियर द साउंड ऑफ गन यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि ओ oh फादर के बाद इस्लामेशन मार्क लगाया गया है ओ राजू स्पीक नो मोर इसमें भी लास्ट में देख रहे हैं इस्लामेशन मार्क लगाया गया है अर्थात बच्चों हमेशा याद रखें कि नोट ऑप इस्लामेशन का प्रयोग कभी भी अभिवादन के लिए न करें वहां कामा का प्रयोग करते हैं जैसे डियर फादर कामा लगाते हैं डियर फ्रेंड वहां कामा लगाते हैं सर लिख करने के बाद हम कामा लगाते हैं तो ये शब्द जो है हमेशा याद रखना है कि नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग कभी भी अभिवादन के लिए नहीं किया जाता है वहां हमेशा कामा का प्रयोग किया जाता है अब हम आगे चलते हैं बच्चों पंक्चुएशन में कामा जिसको हम अर्धवि अल्प विराम कहते हैं तो अब हम अल्प विराम की जानकारी में देते हैं बच्चों तो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है कामाज अर्थात क्योंकि बच्चों इसका प्रयोग हमेशा सबसे अधिक होता है और कामा का प्रयोग जहां कम ठहरने की आवश्यकता होती है हम वहां करते हैं और जैसा हमने बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है क्योंकि इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है जैसे बच्चों यहाँ लिखा गया है यू यूज द काम टू सेपरेट द लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड और फ्रेजेस सिमिलर वर्ड और फ्रेजेस को अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट इट्स क्लियर इन क्लियर सिंपल एक्यूरेट वर्ड अर्थात यहां देख रहे बच्चों कि क्लियर सिंपल एक्यूरेट वर्ड इसको हम अलग करने के लिए कमा का यूज किया गया है नेक्स्ट है वी डू नॉट नॉर्मली यूज कमा बिफोर एंड एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड बच्चों हमेशा वी डू नॉट नॉर्मली यूज कमा बिफोर एंड एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड एग्जाम्पल है दे ट्रेवल थ्रो बुलगारिया स्लोवाकिया एंड रिपब्लिक एंड पोलैंड तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों जो नाम दिया गया है देश का नाम दिया गया है तो उस कंट्री के नाम के लिए हम कामा दे करके उसे अलग किए हैं क्योंकि मोर देन वन कंट्री है इसलिए इसको हम कामा दे करके अलग किए हैं तो इस तरह से अगला हम चलते हैं अमेरिकन इंग्लिश डज यूज अ कॉमा इन लिस्ट बिफोर अर्थात इसमें देख, देख रहे हैं बच्चों बिफोर एंड अर्थात हम यहां देख रहे हैं चीज एंड फ्रूट विथ अस तो यहां एंड के पहले भी कॉमा का उपयोग किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में अर्थात यहां हम देख रहे हैं वी टूक ब्रेड चीज तो ब्रेड और चीज के बाद हम देख रहे हैं एंड शब्द आ गया एंड फ्रूट्स तो वहां भी चीज के बाद कमा लगता है हम हम लोग चीज एंड लिख दिए तो कमा हम यूज नहीं करते हैं लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा होता है आगे हम चलते हैं बच्चों वी यूज commas टू सेपरेट वर्ड्स और फेजेस दैट मार्क्स वेयर द वॉयस वुड पॉज स्लाइटली अर्थात जहां आवाज को हम थोड़ा सा रोकते हैं स्लाइटली वहां भी हम कामा का उपयोग करते हैं जैसे बच्चों देख लीजिए यू यू टेल नाउ ऑल विल बी एट तो इसमें हम देख रहे हैं हाउ हाउवर के बाद कामा लगा है वी हैड इनफैक्ट लास्ट ऑल ऑफ आवर मनी तो आप देख रहे हैं वी हैड कमा इन फैक्ट वास्तव में कामा फिर लास्ट ऑल और मनी तो इस तरह से कामा का यूज हो गया आगे हम चलते हैं बच्चों सेपरेटली क्लाजेस विथ कामाज क्लाजेस को हमेशा सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटली क्लाजेस विथ कामा अर्थात क्लाजेस को सेपरेट करने के लिए कामाज यूज होता है जैसे बच्चों हम देख रहे हैं वेन मेक क्लाजेस आर सेपरेटेड बाई एंड और बट वी डोंट नॉर्मली यूज अ कामा

फ्रेंडली एंड इनवाइटेड के बीच में एंड का प्रयोग फिर मनी मनी यह सेंटेंस कंप्लीट होता है अर्थात फुटबॉलर्स दिस मोर मनी बट दे आर फिटर एंड प्ले मेनी मोर मैचेस सेम सब्जेक्ट है इसलिए कमा का यूज हम नहीं करते हैं इट वॉज एन एक्सपेंसिव होटल इन द सेंटर ऑफ स्टॉक कॉम बट वी डिसाइडेड इट वॉज वर्थ द मनी सब्जेक्ट है इसलिए हम देख रहे हैं बच्चों कि कामा का यूज किया गया है अर्थात में कामा का का यूज यूज नहीं करते करते हैं जब सब्जेक्ट रहता है तभी हम का यह भी आपको क्लियर हो गया वेन अ सब आर्डिनेट क्लास कम्स बिफोर द मेन क्लॉज वी कॉमनली यूज अ कामा टू सेपरेट द्लासेस ओवर वी डू नॉट ऑलवेज डू शॉर्ट सेंटेंस तो यह भी आपको एग्जाम्पल से बच्चों क्लियर हो जा रहा है कि इफ यू गेट लास्ट इन दिटी सेंटर प्लीज डोटिटेट आर फोन अस तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों जब ऐसे सब आल्टरनेट क्लासेस मेन क्लाजेस के पहले आता है तो वी कॉमनली यूज द कामा टू सेपरेट द क्लाजेस तो यह भी आपको क्लियर हो गया और आपको ध्यान रखना चाहिए वी डू नॉट ऑलवेज डू दिस इन शॉर्ट सेंटेंस तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कहां कमा यूज करते हैं जैसे बच्चों यहां दिया गया है इफ यू गेट लास्ट जस्ट फोन अस तो यहां शॉर्ट में हम कमा का यूज नहीं करते हैं इफ यू गेट लास्ट जस्ट फोन अस तो हम यहां कमा का यूज नहीं करते हैं नेक्स्ट है वेन यू यूज द सब ऑर्डिनेट और नॉन

आपको देख रहे हैं यू डू नीट टू वीअर अ डार्कर जैकेट इफ आई मे से सो तो इस तरह से हम सेपरेट करने के लिए कामा के यूज किए टू बी ऑनेस्ट कॉमा आई थॉट दे देरी वेरी वेरी रोड तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां भी हम वी कॉमनली यूज द कामा टू सेपरेट द दाजेज ऑनेस्ट के बाद हमने कामा का यूज किया तो आगे हम देखते हैं बच्चों अगला नियम है एंड रिलेटिव क्लाजेस तो वी यूज द कमा टू मार्क नॉन डिफाइनिंग क्लाजेस सच क्लाजेस नॉर्मली एट एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन आर नाउन फ्रेज तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यू यूज द कमा टू मार्क नॉन डिफाइनिंग क्लाजेस

एम्बुलेंस वि जस्ट फाइव मिनट अर्थात दोनों जगह हम किस तरह से हम कमा का यूज कर रहे हैं क्योंकि यह इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और नाउन फ्रेज़ में है तो हांगकांग द फर्स्ट इन मीटिंग वॉज हेल्थ इज अ वेरी डिफरेंट सिटी नाउ तो बच्चों ठीक वही नियम का प्रयोग करके हम यहां देख रहे हैं कि यह इन्फॉर्मेशन हांगकॉन्ग अर्थात यह नाउन और नाउन फ्रिजेस में है इसलिए जो है यहाँ हम इस तरह से कमा का यूज कर रहे हैं तो आगे हम चलते हैं बच्चों आगे आपको बता रहे हैं कि द सेम इज द ट्रू फॉर नॉन फाइनाइट क्लासेस अर्थात आगे हम देखते हैं सेम इज ट्रू फॉर नॉन फाइनाइट क्लासेस में हम क्या देखते हैं द स्टार लास्टिंग एज इज फॉर सेवरल डेज

यानी हम देख रहे हैं वी डोंट यूज कमा टू मार्क डिफाइनिंग क्लासेस तो यह तो हमें देख रहे हैं ऐसे में एग्जाम्पल में आपको बताया गया बच्चों की वर्सेलोना वॉज इस, स्पेनिश सिटी दैट वॉज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स लेकिन यहां हम इसका यह नहीं लिख सकते बच्चों द स्पेनिश सिटी कमा दैट आर सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स अर्थात यहां हम कमा का यूज नहीं कर सकते हैं आगे हम चलते हैं बच्चों की आपको ऊपर बताया गया था एक बार आपको दिखा रहे है हैं ऐसे में हम कमा का यूज नहीं करते हैं कामा एंड स्पीच फॉर्म अर्थात कॉमनली सेपरेट टेक्स एंड यश नो रिस्पॉन्सेज मा अर्थात बच्चों या हम देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू अरंट दे तो ऐसे जहां देख रहे हैं स्पीच फॉर्म है और कमा दोनों में हम देख रहे हैं बच्चों कि द टैग एंड यश नो रिस्पॉन्स विथ कमा अर्थात हम टैग और यश नो रिस्पॉन्स को कमा के द्वारा अलग करते हैं जैसे लिखा गया है दे आर गोइंग टू पार्टी कॉमा तो स है इसलिए कामा से इसको अलग किया गया है no, you, तो भी नो थैंक नो अलग करते हैं जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर का जो रूल है वह यहां आपको समझ में आ गया होगा वी आल्सो यूजली सेपरेटिंग डिस्कोर्स मार्कर्स एंड इंटरजेक्शन विथ कामाज तो बच्चों वी आल्सो यूजुअली सेपरेट यानी जो हम देख रहे हैं कैसे हम सेपरेट करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं ओपन द डोर फॉर देम कैन यू थैंक्स या वो हो गया वेल वाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट डिस्कोर्स मार्कर है बच्चों यहां भी हम देख रहे हैं वेल well, के बाद कमा लगाया गया है आगे हम देखते हैं ओ दैट साउंड रियली इंटरजेक्शन है अर्थात इसलिए यहाँ का आगे हम चलते बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात यहाँ डायरेक्ट स्पीच के लिए हम जो है कैसे हम यूज करते हैं जैसे लिखा गया बच्चों He said it has

कामा में हम यूज करते हैं जबकि लिखा गया है आपको स्पष्ट है कि स्टेट इट ओपनिंग स्पीच लगाया गया है तो ये भी आपको क्लियर हो गया आगे हम चलते हैं देखते हैं बच्चों अगला है एग्जाम्पल वेन द डायरेक्ट स्पीच इज फर्स्ट वी यूज अ कामा बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द कोटेशन मार्क अर्थात उदाहरण चिन्ह के लिए हम आगे चलते हैं तो कमा का यूज करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं बच्चों वी डोंट वॉन्ट टू गो ऑन हॉलिडे टू द सेम प्लेस एवरी ईयर कॉमा वी सेड इंपेसिय तो ऐसी जगह हम कमा का यूज करते हैं और आगे हम बच्चे चलते हैं अर्थात बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे एजुकेशन बाई ए के की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एट अंडर स्कोर बाई ए के को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद